क्लास टेंथ के सभी स्टूडेंट्स को वेलकम। आज इंग्लिश वन के हैं आपके, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। इंग्लिश वन के जो पहला चैप्टर है लेटर टू गॉड। आप किसी भी बोर्ड के हो, सीबीएसई के हो या सेवा के हो, आपको ये लेसन फर्स्ट इंटरेस्ट से फाइनल तक जरूर आएगा। आज हम जानेंगे कि इसके स्टोरी क्या है, सामरी क्या है, वो हिंदी में जानेंगे। ये देखिए थोड़ा सा एक पेन पिक्चर है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में आपको फुल सिलेबस के साथ साथ जो एग्जाम में आया, लास्ट एग्जाम में जो आया था, इसका क्वेश्चन आंसर, एडिशनल क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू, वर्ड मीनिंग बहुत सारा है। तो देखते रहना, पूरा देखते रहना। और अगर ये वीडियो देख लिया तो क्लास टेन के जो लेटर टू गॉड में जितने सारे मार्क हैं, 5, 7, 6, 10 जितने सारे मार्क्स है, वो आपको मिल जाएगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो ऑथर है जीएल फ्वेंटेस। तो ऑथर के बारे में एक दो बातें हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले स्टार्ट करते हैं कि स्टोरी क्या है। तो यह स्टोरी फेथ के ऊपर है। तो स्टोरी क्या है? स्टोरी फेथ के ऊपर है। जो लेंचो है, इस स्टोरी का हीरो है, वो इतना विश्वास करता था अपने भगवान पे, जो विश्वास के कारण उसे जो नहीं, इसके पास जो नहीं था वो उसे मिल गया था। तो स्टार्ट करते हैं, वो कौन है, लेंचो कौन है? लेंचो है एक फार्मर है। लेंचो एक फार्मर है। वो कहाँ रहता था? क्रेस्ट ऑफ द लो हिल में वो रहता था, एक पहाड़ की चोटी पर वो रहता था। वो जो एंटायर वैली था ना, उस वैली में सिर्फ लेंचो का ही एक घर रहता था। वो अपने फैमिली के साथ रहता था वहां पे। और वो एक किसान था, और बहुत मेहनती किसान था। वो तो वो उसने कॉर्न की फसल उगाई थी। तो वो सोच रहा था कि अगर आज बारिश हो जाए थोड़ा सा, तो जो मेरा जो फसल है बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा, फैमिली अच्छी तरह से मेंटेन हो जाएगा। इसी वक्त उसका जो बड़ा बेटा है वो खेत में काम कर रहा था, और छोटे बच्चे आंगन में खेल रहा था, और उसकी पत्नी जो वाइफ है वो खाना पका रही थी। तो वो भी अंदर से बोल रही थी, हाँ आज लगता है तो बारिश हो जाएगा तो अच्छा फसल हो जाएगा। इसी दौरान इसकी वाइफ ने सभी को खाने में बुलाया, सभी अंदर बैठ के आराम से खाने लगे। तभी अचानक बारिश शुरू हुआ। तब लेंचो को लगा, हाँ अब मेरा फसल अच्छा हो जाएगा, गॉड ने मेरी बात सुन ली। तो क्या हुआ, जो बूंदे गिरने लगा, तो इसने बोला, देखो बाहर आके वो देखा, जो बूंद गिर रहा था वो एंजॉय कर रहा था उस बूंद को, छोटे बच्चे बारिश में खेल रहा था, और वो जो बूंदे गिर रहा था, छोटा छोटा जो बूंद था, उस बूंद को उसने बोला कि ये देखो ये 5 सेंट है। जो बड़ा बूंद था वो बोल रहा है ये देखो 10 सेंट से, मतलब ये पैसे के साथ, जो बारिश के बूंदे है ना वो पैसे के साथ मिला रहा था। देखते देखते ही वो बारिश हेलस्टोन में बदल गया, जो हवा का रुख बदल गया, हवा तेज होने लगा और बारिश भी होने लगा, बारिश के साथ ओले गिरने लगे। तो ये सोच में, ये क्या हो रहा है, अरे ये मेहनती किसान है, किसान का तो सारा मतलब जो जितना उसने फसल उगाया ना वो सारा फसल ही उसका फ्यूचर है। तो ये सोचा, ये क्या हो रहा है, ये अगर जल्दी खत्म नहीं हुआ तो क्या होगा, ये जल्दी खत्म हो जाए तो ये अच्छा है, हाँ मैंने सिर्फ बारिश मांगा था, ये ओले गिर रहा है, ये तो मेरा फसल बर्बाद हो जाएगा, हाँ तो ये तो मेरा फसल बर्बाद हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा। तो ये सोच रहा था, लेकिन वो जो हेलस्टोन गिर रहा था ना, जो हेलस्टोन गिर रहा था वो हेलस्टोन खत्म नहीं हुआ। लगभग 1 घंटा तक चला, और वो जितना फसल था वो पूरा फसल बर्बाद हो गया। वो बोलने लगा उसके बच्चे को, अगर महामारी हो जाता तो कुछ छोड़ के भी जाता, महामारी कुछ छोड़ के जाता, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो पूरा फसल मेरा खत्म हो गया, मैं कैसे अपने फैमिली को मेंटेन करूंगा। हाँ वो जो फील्ड है ना, उसका जो खेत है कॉर्न का फील्ड था, वो पूरा व्हाइट हो चुका था हेलस्टोन के वजह से। लग रहा था कि मतलब नमक है, पूरा के पूरा खेत में नमक गिरा हुआ है। तो यहां से आएगा क्वेश्चन, आ सकता है कि खेत कैसा देखने लगा था आफ्टर हेलस्टोन। तो ऐसा लग रहा था कि नमक से किसी ने ढक दिया हो। हाँ और छोटे बूंद को उसने क्या बोला था, 5 सेंट्स, और बड़ा बूंद को बोला था 10 सेंट्स, ये याद रखना।
तो ये जो मतलब पूरा फसल उसका बर्बाद हो गया था। तो ये रात को बैठ के सोचने लगा कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, पूरा साल मैं क्या करूंगा, जो मेरा खत्म हो गया, जितना इतना सारा मैंने मेहनत किया, सारा मेहनत मेरा बेकार में चला गया। हाँ, तो मैं अपने बच्चों का, अपने बीवी का पेट कैसे पालूंगा। तो ये सोच रहा था कि कोई तो नहीं है मेरा, कौन हेल्प करेगा मेरा, और पैसा भी नहीं है कि मैं दोबारा से मतलब सीड्स खरीद लूं और मैं खेती कर लूं। तो उस खेती करने के लिए जो सीड्स चाहिए वो भी इसके पास नहीं है, पैसा भी नहीं है, कहां से वो खरीदेगा। फिर उसने सोचा कि ठीक है, मैं एक लेटर लिखूंगा गॉड को। गॉड को मैं एक लेटर लिखूंगा, सिर्फ गॉड ही है जो मुझे हेल्प कर सकता है। वो इतना नादान था, हाँ, इतना मासूम था कि उसे इसका जो फेक था ना, वो मतलब बहुत ही फेथ था भगवान के ऊपर, इतना डीप फेथ था कि वो सोचा था कि मैं लिख लूंगा तो गॉड मुझे हेल्प करेंगे। हाँ, तो ये फिर लेटर लिखा। देखो, वो किसान होने के साथ साथ उसे लिखना भी आता था, लिखना पढ़ना भी आता था, इसलिए सभी को क्या करना है, बहुत अच्छे तरह से पढ़ना है और 90 अबव मार्क्स लाना है। ओके, तो क्या हुआ था, उसने लेटर लिखा और जाके संडे को उसने पोस्ट कर दिया अगले दिन। तो अगले दिन कौन, जिस दिन बारिश हुआ था वो कौन सा डे था, सैटरडे। जिस दिन उसने पोस्ट किया जाके, कौन सा डे था, संडे। तो ये पोस्ट किया, जब इन्होंने पोस्ट किया तो पोस्टमैन जाके जब कलेक्ट कर रहा था, मेल बॉक्स से कलेक्ट कर रहा कि किसने किसने भेजा, कितना आया लेटर, तो इसने लेटर लिया तो देखा, अरे एड्रेस में लिखा टू गॉड। ये हंसने लगा, तो ये बोला, ये कौन आदमी है रे बाबा जो गॉड को लिखता है चिट्ठी, तो चिट्ठी गॉड को लिखता है, ये कौन है। ये सोच के वो क्या किया, अपने ऑफिस में चला गया और जाके जो हेड है ना पोस्टमास्टर, उसको बोला, सर देखिए देखिए, ये देखिए, ये किसने चिट्ठी लिखा कि एड्रेसिंग किया गॉड को। तो देखने के बाद वो भी जो था ना पोस्टमास्टर, वो भी हंसने लगा, अरे ये कौन आदमी है रे बाबा जो लिख रहा है ऐसा। हाँ, तो ये सोच के फिर उसने एनवेलप को खोला और पढ़ने लगाई। वैसे तो किसी की चिट्ठी पढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो एड्रेस था ना गॉड टू गॉड, तो गॉड के पास तो जाएगा ही नहीं, तो इसलिए पोस्टमास्टर ने खोल के पढ़ दिया। तुम ऐसा मत करना, किसी की चिट्ठी पढ़ना अच्छी बात नहीं है। तो उसने जब खोला पढ़ा, तो पढ़ने के बाद उसने हंसना बंद कर दिया। इसने सोचा, अरे इतना फ्रीक है इसका, मैंने कभी तो अपने भगवान के साथ, भगवान किसी की धर्म का भी हो, मैंने तो कभी भी अपने भगवान के साथ इतना फेक नहीं किया। इसका इतना फेक है कि इसका फसल जो चला गया, हाँ इसका फसल चला गया तो वो कैसे खाएगा, कैसे जिएगा, परिवार को कैसे मेंटेन करेगा। ये सोच रहा था। तो ये सोचने के बाद उसने उसने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं उसे हेल्प करूंगा, भगवान के नाम पे मैं उसे हेल्प करूंगा, क्योंकि उसे सभी जानते हैं कि भगवान तो आएंगे नहीं और ये चिट्ठी भगवान के पास पहुंचेगा भी नहीं, तो कौन उसे पैसा देगा। तो कोई ना कोई जरिया होता है, तो इसीलिए कहते हैं जो हमें हेल्प करते हैं ना वो भगवान के रूप होते हैं। तो वो जो पोस्टमास्टर है उसने सोचा कि मैं हेल्प करूंगा, तो उसने अपने जो सैलरी से कुछ ऐड किया और सभी जो कॉलिग्स थे उसके सभी को बोला आप कुछ कंट्रीब्यूट करो। उसने जाके अपने फ्रेंड को बोला, अरे यार कुछ पैसे चाहिए था, ऐसे ऐसे मुझे लेटर मिला है, हाँ तो अगर मैंने उसे हेल्प नहीं किया तो उसका भगवान के ऊपर फेक चला जाएगा, और बहुत ही अच्छी बात है कि वो उसने चिट्ठी में लिखा था कि भगवान मुझे फैमिली मेंटेन करने के लिए पैसे चाहिए, मुझे फिर से खेती करना है। उसने ये नहीं बोला कि मुझे खाना दे दो, कि मुझे पैसा दे दो, मुझे खाना खरीद के खाना है। इसने बोला मुझे फिर से खेती करना है, सीड्स खरीदना है, मुझे फिर से खेती करना है। तो ये इसलिए कहता था कि लेंचो को फील्ड में ऑक्स कहा गया, जिस तरह की एक ऑक्स पूरा दिन मेहनत करता है थकता नहीं, इसी तरह लेंचो भी पूरा दिन मेहनत करता था खेत में, वो उसे कोई भी मतलब टायर्ड फील नहीं होता था। इसे मालूम था कि मुझे खेती करना है, मुझे फसल उगाना है और मुझे पैसा कमाना है, अपने फैमिली को मेंटेन करना है, तो इसीलिए इसने बहुत ही मेहनत करता था, इसलिए इसे ऑक्स कहा गया। अगर क्वेश्चन में आया कि इसी चैप्टर में ऑक्स किसे कहा गया, तो
तो वो होगा लेंचो। ओके देन, तो उसने हेल्प किया सभी दोस्त के साथ, कलीग से साथ मिलके जितना पैसा मिला उसने कलेक्ट किया करके उसने काउंट किया कि 70 पैसे से हुआ तो उसने यही रख दिया। वन वीक लेटर क्या हुआ, लेंचो पहुंचा फिर पोस्ट ऑफिस की, जाके बोला कि मेरा कोई चिट्ठी आया क्या भगवान की ओर से। तब पोस्ट मास्टर ने उसे दे दिया, बोला हाँ एक चिट्ठी आया है गॉड के पास से, एक चिट्ठी आया है आपके लिए, ये आप ले लो। तो जब पोस्ट मास्टर ने 70 पैसे उसका हेल्प किया, कंट्रीब्यूट किया, तो चिट्ठी में जो एनवेलप है, एनवेलप में पैसा रख के कुछ नहीं लिखा, सिर्फ गॉड के नाम पे साइन कर दिया गॉड। ऐसा लगा कि जब लेंचो ने लिया तो ऐसा लगा कि अरे ये तो गॉड नहीं भेजा है, क्योंकि गॉड के नाम का सिग्नेचर था। तो ये अगर क्वेश्चन में आ गया, जो एनवेलप मिला था लेंचो को, उस एनवेलप में क्या कुछ लिखा था? नहीं, सिर्फ एक सिग्नेचर था और वो गॉड के नाम पे था। और सिग्नेचर किसने किया था? पोस्टमास्टर ने किया था। पोस्टमास्टर कैसा इंसान था अगर आएगा तो कैसा था? वो एक फेट एमियबल इंसान था, मतलब वो एक दयालु इंसान था, देखने में गोलमटोल था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि जब उसने खोला एनवेलप, खोला, खुल के काउंट किया कि 70 पैसों से है, 70 पैसों से ये डिसअपॉइंटेड हो गया। ये सोच रहा था कि अगर ये भगवान तो ऐसा नहीं करेंगे, भगवान ऐसा नहीं करेंगे, भगवान तो पूरे ही देंगे। शायद ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं उन्होंने 30 पैसे चुराए हैं। तो उसने फिर उसी वक्त फिर एक ले लिया, पेन पेपर ले लिया और लिखने लगा, हे भगवान आपने तो मेरा हेल्प किया लेकिन पूरा पैसा मुझे नहीं मिला, ये जो 30 पैसों से वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने खा लिए, तो मुझे बाकी की 30 पैसों चाहिए। तो आप मुझे काम करना, आप थ्रू मेल नहीं मुझे डायरेक्ट भेज देना, डायरेक्टली मुझे अगर आप भेज देंगे तो कोई उसे चुरा नहीं पाएगा। ये बात लिख के उसने फिर पोस्ट कर दिया। तो क्या था स्टोरी में था मॉरल ऑफ द स्टोरी, क्या था कि अगर फेक है, अगर बिलीव है तो मिलता है। उसको बिलीव था कि मुझे पैसा मिलेगा, अगर मैंने गॉड को लिखा कि मुझे पैसा चाहिए तो गॉड ने मेरा हेल्प करेंगे, ये फेथ चाहिए। लेकिन और एक सीख इसमें है कि किसी को उसने क्या किया, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि भगवान सच्ची में पैसे देंगे क्या, या चिट्ठी जताए क्या, या जो पोस्ट मास्टर है वो उसने चुराए क्या नहीं। हाँ ये गलत बात है कि पहली बार किसी को देखते ही उसके बारे में निगेटिव थॉट लाओ कि यह अच्छा इंसान नहीं है। तो ये सीखने के बाद है। अब शॉर्टली मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या है की पॉइंट्स है थोड़ा सा शॉर्टली। तो लेंचो कौन है? लेंचो वाज ए फार्मर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ ठीक है, सही है। तो लेंचो कौन है? लेंचो वाज ए फार्मर है। और वो कहाँ काम करता था? इन अ फील्ड ऑफ कॉर्न। हाँ, इन अ फील्ड ऑफ कॉर्न की फील्ड में वो काम करता था। वो कहाँ रहता था रोनी, तब बताओ वो कहाँ रहता था? ही लिव्ड इन फैमिली ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल रहता था। उसका एक्सपेक्टेशन क्या था? रेनफॉल। इसका एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा सा रेन हो जाए तो मेरा फसल और भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, लेकिन क्या हुआ? हेल स्टॉर्म आ गया था। तो क्या हुआ उसका पूरा क्रॉप क्या हुआ? डेस्ट्रॉय हो गया। उसने भगवान से कितना पैसा मांगा? 100 पैसे मांगा था। कितना मिला उसे? 70 पैसे। तो व्हाट इज पैसे? करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिका कंट्रीज। पैसे क्या होता है? ए करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिका कंट्रीज। और हु इज लेंचो? हु वाज लेंचो अगर आ गया तो हु वाज लेंचो क्या लिखो? क्या लेंचो वाज ए फार्मर। अजीज तुम बताओ, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? अजीज बताओ, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? गुड शावर। हाँ, गुड शावर। तो उसने सोचा था कि अगर अच्छी थोड़ा सा मतलब रेन हो जाए, शावर हो जाए, थोड़ा सा बारिश हो जाए तो मेरा फसल बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ,
व्हिच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड? कॉर्न. हाँ, कॉर्न. और उसने जो बारिश के बूंदे गिरा था, बारिश, अभिषेक बताओ, बारिश के जो बूंदे गिरा था, हाँ, उसने जो छोटा बूंद था उसको क्या बोला? 5 सेंट. 5 सेंट. और बड़ा बूंद को? 10 सेंट. 10 सेंट. और जो मेल बॉक्स में जो था, एड्रेस किस पर था? गॉड के लिए. गॉड के लिए. और जो एनवेलप लंचो को मिला, इसमें कुछ लिखा था क्या? फ्रॉम गॉड. हैं? हाँ, गॉड के नाम पे, गॉड की तरफ से था. गॉड की तरफ से सिर्फ एक सिग्नेचर था, कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ एक सिग्नेचर था. तो ये था ये स्टोरी. अब ये देखो, जीएल फेंटेस, जीएल फेंटेस का जन्म कब हुआ था? बोर्न ऑन 17th November 1895. कहा हुआ था? मेक्सिको में हुआ था. जीएल फेंटेस का बोर्न कहा हुआ था? मेक्सिको में 1895 को. और डाइड ऑन 10th December 1966. ये भी याद कर देना. इसके बाद इस वीडियो में अभी आपको पहले मिलेगा कुछ MCQs, बहुत सारे MCQs हैं, 70 से ज्यादा होगा क्वेश्चंस, और भी लगभग MCQ, वर्ड मीनिंग और बोर्ड क्वेश्चंस मिला के, सब कुछ मिला के आपको इस वीडियो में 100-110 प्लस मिल जाएगा. पूरा वीडियो एक पैकेज है आपके लिए. अगर ये लेसन आप किसी भी बोर्ड के हो, ये लेसन आपको पूरा कंप्लीट करना है, तो इस वीडियो से अच्छा आपको कुछ नहीं मिलेगा. कैसा लगा कमेंट करना, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना, और देखते रहो, पूरा वीडियो देखते रहो, क्वेश्चन सब सॉल्व करो. एक दो होमवर्क से वो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना. तो चलो पेन पेपर लो और स्टार्ट करो पूरा देखना. Thank you.
हैं।